खबर पीलीभीत से है, जहां शराब के नशे में धुत ई रिक्शा के ड्राइवर ने कार में तोड़फोड़ कर दी। घटना सुनगढ़ी थाने के गांधी स्टेडियम रोड की है। पुलिस के मुताबिक बीसलपुर के ग्यासपुर मोहल्ले के रहने वाले अरविंदन कुमार कार से अपने 8 साल के बेटे राघव की दवाई लेने के लिए नर्सिंग होम आए थे। उन्होंने सड़क के बीच में खड़ी ई रिक्शा को साइड में करने को कहा। ई रिक्शा का ड्राइवर राहुल शराब के नशे में था। दोनों के बीच कहासुनी हुई और राहुल ने लोहे की रॉड से कार पर हमला बोल दिया। इस दौरान पिता पुत्र भी घायल हो गए। हंगामे की खबर के बाद सुनगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर थाने ले आई। अरविंदन कुमार ने थाने में आरोपी राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीसलपुर के अरविंदन कुमार अपने बेटे की दवाई लेने के लिए ध्रुव नर्सिंग होम में आए हुए थे, तो वहीं एक ई रिक्शा वाला राहुल खड़ा हुआ था जो नशे में था। उस रिक्शा को हटाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिस पर राहुल ने रॉड निकालकर उसकी गाड़ी तोड़ दी। जो टाटा टियागो गाड़ी थी उसे तोड़ा और उसके साथ भी मारपीट की गई। इस संबंध में सूचना मिली है।